कहा जाता है कि हाँ जी हिंदू समाज सड़कों के ऊपर है, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की स्थिति लेकर कौन आया? ये लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की स्थिति लेकर आया प्रशासन, जो अब तक गहरी निंद्रा में हो सकता है कि कोई नींद की गोली ये खाकर बैठे हैं, हो सकता है ये कुंभकर्ण की नींद सोए बैठे हैं। ये बात समझ नहीं आई कि ये जो एक एक तारीख को जो पैदा होने वाले लोग हैं, ये आसमान से डायरेक्ट टपके इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर या ये सड़कों के ऊपर इनका जन्म हुआ? क्यों? मेरा ये सवाल है प्रदेश के प्रशासन से, जिला के प्रशासन अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से, कि आपके डिपार्टमेंट्स ने कैसे, या तो आप लिखित में ये बयान दें कि ये जो जितने भी आधार कार्ड एक डेट के बनाए गए हैं ये वैलिड हैं और ये इसकी हम पुख्ता हम लोग वो करते हैं कि ये बिल्कुल सही पाए गए हैं। कल को अगर इनमें से कोई बांग्लादेशी निकलता है, रोहिंग्या निकलता है, तो साहब उस पुलिस अधिकारी को, प्रशासनिक अधिकारी को अपनी कुर्सी से त्याग पत्र देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में जहां पर एक हिंदू एकता को लेकर, सनातन एकता को लेकर जहां एक बहुत बड़ी मुहिम इस हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई, जो संजौली से शुरू की गई, जहां पर 31 तारीख को वहां पर लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद वो जो लड़के थे जो एक मजहब के थे, उन्होंने हिंदू एकता हिंदू समाज के लड़कों के ऊपर अटैक किया, उनका सिर फाड़ा, 14 टांके लगे और उनको मारने के बाद वो एक मस्जिद में जाकर शेल्टर लेते हैं एक तारीख को। उसके बाद 2 तारीख को जब वहां के हिंदू समाज के लोगों को ये बातें पता चलती हैं, वो लोग एकत्रित होते हैं अपनी एकता का प्रमाण देने के लिए और वहां पर जो वो अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया गया उसके बाहर वहां पर प्रोटेस्ट होता है और प्रोटेस्ट को लेकर जब वो प्रोटेस्ट हुआ तो वो खबर पूरे हिमाचल प्रदेश में आग की तरफ फैल गई। और हिमाचल प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे के पूरे देश में, पूरा नेशनल मीडिया में ये हिमाचल प्रदेश का नाम गूंजने लगा। पूरे नेशनल मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में जो मारपीट हुई, जो हिंदू एकता एकत्रित हुई, उसका प्रमाण पूरे नेशनल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में देखा जाने लगा। 3 तारीख को देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा ने आह्वान किया शिमला के लिए। 5 तारीख को देवभूमि क्षत्रिय संगठन के कॉल के ऊपर बहुत सारे हजारों लोग शिमला गए। 5 तारीख को चौड़ा मैदान में प्रदेश सरकार से बात हुई। हमने अपनी प्रमुख मांगे रखी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, चाहे वो प्रवासियों को लेकर, चाहे वो अवैध रूप से जो निर्माण मस्जिदों को लेकर हो रहा है उसके खिलाफ हम लोगों ने अपनी बात रखी और उसके ऊपर कार्रवाई। उसके बाद फिर प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट हुए, पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रोटेस्ट हुए। लेकिन इन प्रोटेस्ट के बीच में एक मुद्दा गुम हो गया और वो मुद्दा ये रहा कि ये जो लोग हैं, जो ये प्रवासी हैं, ये गैर हिमाचली जो लोग हैं जो हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी दुकानें किराए के ऊपर ले रहे हैं, लव जिहाद को अंजाम दे रहे हैं, यहाँ पर चाहे फूड की जितनी शॉप्स हैं या जितने काउंटर्स हैं, खाने पीने को लेकर कहीं पर हम लोग देख रहे हैं, कहीं कहीं पर थूक मिलाकर फूड की आइटम्स दी जा रही हैं, कहीं पर पेशाब मिलाकर फूड आइटम्स दी जा रही हैं, कहीं पर दूध के अंदर थूका जा रहा है, कहीं पर सब्जियों के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। जब इस प्रकार की वीडियोज आने लगी और जब देखा जाने लगा कि हिमाचल प्रदेश में आप सोलन के ऊपर ले लीजिए कि अगर यहाँ पर गोलगप्पे की दुकानें हैं तो गोलगप्पे की दुकानें अगर 4 और 5 हैं तो एक हो सकता है कि एक तो बड़ी पुरानी दुकान है। और जो लोग सड़कों पर आए उनके नाम क्या है? वो कोई अमन रखेगा, कोई कपिल रखेगा, कोई अपना नाम देवराज रखेगा, लेकिन जब आप स्कैनर से स्कैन करोगे तो नाम आएगा उसके ऊपर अकरम अब्दुल, जो अपने आप में कितना बड़ा जो सवाल है कि ये जो लोग बाहर से आ रहे हैं और जब इनके अवैध रूप से जो बने हुए, एक हमारे पास हमारा प्रमाण का एक सर्टिफिकेट है, दिया है सरकार ने प्रमाणित करके कि ये जो आधार कार्ड हैं, ये आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि आप बैंक में जाओ, बैंक में आपका ये डॉक्यूमेंट लगेगा, आप किसी भी सरकारी कार्यालय में जाओ आपका ये डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके ऊपर जो आपकी बर्थ डेट ऑफ बर्थ जो मेंशन की है उसको वहां पर कंसीडर किया जाएगा। मैं भी अगर बैंक जाऊंगा या मैं, क्योंकि अब तो आधार कार्ड जो है वो पैन कार्ड के साथ लिंक है बैंक में। लेकिन जहां पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1-1-2002, 1-1-1995, 1-1-1990, 1-1-1984, ये बात समझ नहीं आई कि ये जो एक एक तारीख को जो पैदा होने वाले लोग हैं, ये आसमान से डायरेक्ट टपके इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर या ये सड़कों के ऊपर इनका जन्म हुआ?
क्योंकि ऐसा तो मेरे ख्याल बहुत कम ऐसा होता है कि कोई सड़क के ऊपर हुआ, अगर सड़क के ऊपर भी हुआ होता है तो भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में उसकी बाकायदा पंजीकरण किया जाता है, उसके माँ का नाम, बाप का नाम, घर का पता, किस तारीख को पैदा हुआ, कितने बजे पैदा हुआ, और किसी को भी एक्स वाई जेड किसी भी व्यक्ति को उस प्रमाण पत्र की, जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता हर जगह पर पड़ती है, क्योंकि उसके बाद ही अगला जो सिलसिला है वो शुरू होता है। इन लोगों की जांच प्रक्रिया की गई, सरकार ने भी बोला, प्रशासनिक अधिकारियों ने भी ये मैंने सुना और देखा कि टेक्निकल एरर बताकर इस बात से पल्ला झाड़ लिया गया। मैं आप लोगों के सामने ये डॉक्यूमेंट, लगभग जो 84 आधार कार्ड ऐसे हैं जो शिमला जिला के हैं, सिरमौर जिला के हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मेरे पास सैकड़ों हैं, जो जिला सिरमौर के हैं, सोलन के हैं, कई जिलों के हैं, कांगड़ा के हैं। अगर प्रशासन ने इनको वेरीफाई किया तो किस आधार के ऊपर किया? अगर प्रशासनिक अधिकारियों ने, जिला अधिकारियों ने अगर ये बयान दिया कि ये डॉक्यूमेंट सही है, साहब आपने बिना उनका जन्म प्रमाण पत्र लिए आपने इसको वेरीफाई कैसे कर दिया? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके ऊपर जो जितने भी ये जिला अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, आधार कार्ड क्षेत्र सेंटर्स में जो लोग बैठे हैं, उन सबकी मिलीभगत है। प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को ताक के ऊपर रखकर ऐसे ऐसे कागज आप वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करके अब कहा जाता है कि ये प्रवासी हैं। अब हमको क्या पता वो पाकिस्तानी है, वो बांग्लादेशी है, वो कौन है, हिमाचल प्रदेश में आ रहा है, यहाँ पर वह अवैध रूप से रह रहा है। अगर आज हिमाचल प्रदेश में जो हिंदू समाज है, सनातन एकता को लेकर आज सड़कों के ऊपर, आपके सोलन में अभी विरोध प्रदर्शन हुआ, शिमला में हुआ, कांगड़ा में हुआ, मंडी में हुआ, आपके सिरमौर में हुआ, जगह जगह हुआ, ये हिंदू समाज जो इतने समय से जिसने संयम बनाकर रखा था, जो हमेशा से बोलता आया कि भाईचारा कायम रहना चाहिए, हमें माहौल नहीं बिगाड़ना है, आज जब उनकी माँ, मेरी पत्रकार बहनें यहाँ पर बैठी हैं, लेकिन मैं इस बात को बोलते हुए मैं गुरेज नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बात एक क्षेत्र की नहीं है, ये बात पूरे देश की है, कि जहां पर ये लोग सब्जी विक्रेता बनकर बैठे हैं, जहां पर ये लोग फल विक्रेता बनकर बैठे हैं, वहां पर, वहां से क्रॉस होने वाली लड़कियों को, माताओं को, बहनों को, ये कहीं पर बैंगन दिखाते हैं, कहीं सेब दिखाते हैं, कहीं संतरे दिखाते हैं, और उसको दबा कर कहा जाता है कि ये नरम है, ये सख्त है। अगर हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के वाक्यों को अगर अंजाम दिया जाता है, हिंदू समाज तब भी शांत बैठा है। जो कहा जाता है कि हाँ जी हिंदू समाज सड़कों के ऊपर है, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहा है, ये लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की स्थिति लेकर कौन आया? ये लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की स्थिति लेकर आया प्रशासन, जो अब तक गहरी निंद्रा में, हो सकता है कि कोई नींद की गोली ये खाकर बैठे हैं, हो सकता है ये कुंभकर्ण की नींद सोए बैठे हैं। इतने कर्मचारियों की, लगभग 2.5-5 लाख कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में है, जिनके जिम्मे पर ये सारी की सारी जिम्मेदारी है, आप क्या कर रहे हैं साहब अपने कार्यालयों में बैठकर? अगर ये लोग हिमाचल प्रदेश में 1.45 लाख की अगर हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रेशन है, आपने कहा कि 1.5 लाख लोग हिमाचल प्रदेश में इनकी पंजीकरण है, तो 1.5 लाख के पीछे कितने लोग अवैध रूप से हिमाचल प्रदेश में एंटर हुए हैं, उनकी जांच पड़ताल कौन करेगा? हम ये जो जिम्मेदारी है, हमें जिम्मेदारी बोलते हैं कि ये प्रशासनिक अधिकारियों की, जब प्रशासनिक अधिकारी ही हिमाचल प्रदेश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको ताक पे रखेगा, अपना पल्ला झाड़ने की बात करेगा, तो प्रदेश की रक्षा करेगा कौन? जो कर्मचारी वर्ग है जो ये कहता है कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, अगर जन्म प्रमाण पत्र आपने कब पुलिस अधिकारियों से, मैंने पहले भी कहा था कि आप ये कहते हैं कि हाँ जी हम यहाँ से चालान काटते हैं और इनके हम लोग गृह क्षेत्र में भेजते हैं, वहां से इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगाया जाता है, जिसका आधार कार्ड ही जब फ्रॉड है तो साहब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसे नहीं हो सकता? आप ये बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ रहा है, चिट्टा का व्यवसाय बढ़ रहा है, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, चोरी डकैतियां हो रही हैं, जब आप अवैध आधार कार्ड वालों को हिमाचल प्रदेश में वैध बताओगे तो साहब वो हिमाचल प्रदेश में क्राइम रेट को नहीं बढ़ाएंगे। किसकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके घर से अगर आधार कार्ड बना है? मेरा ये सवाल है प्रदेश के प्रशासन से, जिला के प्रशासन अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से, कि आपके डिपार्टमेंट्स ने कैसे, या तो आप लिखित में ये बयान दें कि ये जो जितने भी आधार कार्ड एक डेट के बनाए गए हैं ये वैलिड हैं
और ये इसकी हम पुख्ता हम लोग वो करते हैं कि ये बिल्कुल सही पाए गए हैं। कल को अगर इनमें से कोई बांग्लादेशी निकलता है, रोहिंग्या निकलता है, तो साहब उस पुलिस अधिकारी को, प्रशासनिक अधिकारी को अपनी कुर्सी से त्याग पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई गैर जिम्मेदाराना काम नहीं। आप लोग प्रशासनिक कुर्सियों के ऊपर इसलिए ही बैठे हो ताकि ये आज जगह जगह आदि भूमि क्षत्रिय संगठन का रोड शो आज गढ़खल में भी है, कसौली में भी है, लेकिन जहां पर रोड शो हो रहे वहां पर ये मुद्दे गुम क्यों है, वहां पर इन मुद्दों के ऊपर बात क्यों नहीं की जा रही है, प्रशासनिक अधिकारी क्यों अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, ये सवाल देवभूमि क्षत्रिय संगठन और राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी का इस पूरे हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों से है कि आपके डीसी एसपी जहां पर लोग अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए सड़कों पर आए, आप चार बातें बोलते हैं कि हम जांच करेंगे, हम पड़ताल करेंगे, ये जांच करते हैं आप लोग, ये जांच का आश्वासन देते हैं कि आपके लोग किसी प्रकार से इन अवैध कागजों को वैध बताकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की जहां पर बात आए, हिमाचल प्रदेश में आप सोलन की बात लीजिए, आप शिमला की बात लीजिए, एक एक दिन हर जगह आंदोलन, लोगों का गुस्सा कई सालों का है, माँ बहनों को गालियां सुनते अश्लील इशारे देखते हुए वो सहन करते, कभी ना कभी तो ये गुस्सा फूटेगा। ये गुस्सा फूटने के पीछे का कारण है कौन? क्या ये सरकारें हैं? क्या ये नेता हैं? क्या ये जो राजनीतिक दल हैं ये हैं? क्या ये प्रशासनिक अधिकारी हैं जो अभी तक हर बात में विफल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में किसी प्रकार से कोई चिंतन नहीं किया जा रहा है, कोई बात नहीं की जा रही है। सड़कों के ऊपर ये लोग अवैध रूप से बैठे, इनको अनुमतियां दी जा रही हैं, तय बाजारियां ये कर रहे हैं, महंगी महंगी दुकानें ये लोग लेकर बैठे हैं, दुकान में 10,000 का माल नहीं, 20-25 हजार पे ये दुकानों का किराया दे रहे, कहां से दे रहे हैं? एक टेलर एक नई एक मस्जिद का अवैध निर्माण कर देता है, जिसकी दिन की कमाई ही 500,000 रुपए है, वो 10-10 लाख रुपए की अवैध रूप से निर्माण की कैसे खड़ा करता है, इसकी जांच पड़ताल कौन करेगा? ये जो लोग सड़कों के ऊपर बैठे हैं, इनके बैंक अकाउंट क्यों नहीं खंगाले जा रहे, इनकी पूरी जांच पड़ताल क्यों नहीं खंगाली जा रही, क्या इसके पीछे कारण है? कौन इसको शह दे रहा है? क्या कोई नेता शह दे रहा है? कोई प्रशासनिक अधिकारी शह दे रहा है? क्यों इनके ऊपर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही? नाम बदल कर ये लोग यहाँ पर सड़कों के ऊपर अपनी दुकानें करते हैं। लव जिहाद भी इस प्रदेश और इस देश का कोई छोटा मुद्दा नहीं। हमारी लड़कियों को नाम बदल कर फंसाया जा रहा है, उनको उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है, फिर वो कहीं पर अटैची में मिलती है, कहीं नाली में मिलती है, कहीं पर कोई लटकी हुई मिलती है, कोई कटी फटी मिलती है। ये छोटे मुद्दे नहीं, ये देश की और प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे। अगर ये इनके जो बड़े लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, अगर वो ये बात बोलते हैं कि हाँ जी ये लोग सही, ये लोग सच्चे हैं, तो ऐसा देश का कौन नागरिक है? अगर मैं भी अगर इस देश का नागरिक हूं, अगर मेरे को देश के किसी भी कोने में जाकर बसना है, रहना है, तो साहब मैं अपना नाम तो नहीं बदलूंगा, मैं अपना पता तो नहीं बदलूंगा, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बदलूंगा, मैं अपना नाम बदलकर वहां पर नहीं रहूंगा। मेरी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, मैं उसी आइडेंटिटी के आधार पे मैं किस देश के किसी भी हिस्से में जाकर मैं रोजगार करना चाहूं, मैं रोजगार करूंगा, मैं वहां पर जाकर रहना चाहूं, मैं वहां पर रहूंगा। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इन लोगों को अगर हिमाचल प्रदेश में आना पड़ रहा है तो इनको अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी इनको छुपाकर आना पड़ रहा है? कहां पर, जहां पर ये बात करते हैं कि नाम बदलकर ये जो रहने वाली जो बात कर रहे हैं, इसके पीछे की जो जानकारी है या जो जांच पड़ताल है वो क्यों नहीं की जा रही? और सबसे बड़ा सवाल इसमें एक और ये बनता है, आप अगर नोटिस करेंगे, मैं मीडिया के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश को मैं बोलना चाहता हूं, मैं प्रदेश की सरकार को बोलना चाहता हूं, मैं पूरे पुलिस प्रशासन अधिकारियों को बोलना चाहता हूं, जिला प्रशासन अधिकारियों को बोलना चाहता हूं, ये जो 1-1-2002, ये 1-1-1989-1983, ये जो डेट ऑफ बर्थ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस देश में किसी बड़ी साजिश को रचा जा रहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस देश की, इस प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला हो, इस प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा हो? क्या हो सकता है? देखिए, कोई भी लड़ाई होती है, कोई युद्ध होता है, कोई भी अगर किसी प्रकार से कोई ऑपरेशन होता है किसी भी प्रकार का, हमारी आर्मी करती है, कोई भी करती है, तो उसके कोड वर्ड्स होते हैं, कोड वर्ड्स के ऊपर वो किसी भी बड़ी गतिविधि को अंजाम दिया जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं, ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है, और आप मीडिया बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं कि इस बात को आप प्रखरता से रखें पूरे प्रदेशवासियों के सामने, ताकि घर घर तक बात पहुंचे। कहीं ये 1-1-2002, 1-1-1989, 1-1-1983,
कहीं ये बहुत बड़ा कोई साजिश इस हिमाचल प्रदेश में रची तो नहीं जा रही कि ये कोड वर्ड सेट किया गया हो कि एक एक ये आपका कोड वर्ड है, सेम डेट ऑफ बर्थ आपका कोड वर्ड है, इस कोड वर्ड के तहत आपको प्रदेश के अंदर का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको बिगाड़ना है या हिमाचल प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को आपने बिगाड़ना है। ये बहुत बड़ा सवाल हिमाचल प्रदेश की सरकार के सामने भी है और हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के सामने भी। कहा जाता है देश की सरकार ने कानून बनाया सीए में कहा गया कि कोई भी बाहर का जो व्यक्ति है उसको देश के अंदर हम लोग नागरिकता देने का प्रावधान करें। देश में नकली नोट छापे जा रहे हैं, कहीं पर अवैध निर्माणों के अंदर नकली नोट छापे जा रहे हैं। मेरा ये सवाल अधिकारियों से और देश की सरकार से, प्रदेश की सरकारों से, जब नकली नोट छप सकते हैं तो क्या नकली डॉक्यूमेंट जैसे ये बने हैं तो क्या इस देश की नागरिकता लेने के लिए नकली कागज नहीं तैयार किए जा सकते? क्या पता कोई बांग्लादेशी हो, कोई पाकिस्तानी हो, या वो किसी देश का जासूस हो जो इस देश की नागरिकता लेकर इस देश की आंतरिक सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा करने का काम कर रहे हैं। ये जो सीए जैसे जो कानून है इसके अंदर ऐसे क्या प्रावधान है कि जांच पड़ताल के कि अगर इस देश की कोई नागरिकता लेना चाहेगा तो उसके लिए ऐसे कौन से पैरागेटिंग्स की गई है कि इस आधार के ऊपर उसको देश की नागरिकता बने मिले। उसके जो पुराने कागज हैं जो वो पेश करेगा, अभी जैसे एक सोशल मीडिया पे बंगाल का एक मैटर चला, वहां के एसपी साहब ने खुलासा किया कि एक व्यक्ति का आधार कार्ड, जैसे ही मैं आपको आधार कार्ड दिखा रहा हूं, वैसे ही उसका डेट ऑफ बर्थ 1-1-1990 था, लेकिन जब उसका पासपोर्ट चेक किया गया तो उस पासपोर्ट में तो डेफिनेटली ओरिजिनल उसका डेट ऑफ बर्थ होगा, पासपोर्ट के अंदर उसका 1964 और आधार कार्ड के अंदर उसका 1990। मेरे पास वीडियो में आपको शेयर करूंगा जरूर। ये बहुत बड़े सवाल इस हिमाचल प्रदेश में है। बहुत सारे संगठन हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंदू एकता को एकत्रित कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दे ऐसे हैं जो टेक्निकल है जिसके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन से बात होनी चाहिए, प्रशासन को कटघरे में लाकर हमको खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी जितनी जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी वो प्रशासनिक अधिकारियों की बनती है। हम तो कागज लेकर जाएंगे, ज्ञापन लेकर जाएंगे, एप्लीकेशन लेकर जाएंगे और जाएंगे हम प्रशासनिक अधिकारियों के पास। अगर प्रशासनिक अधिकारी ही अगर इस प्रदेश की जो सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा, उसको अगर ताक पे रखेंगे तो इस प्रदेश की चिंता करेगा। ये बहुत बड़े मुद्दे ऐसे हैं कि जिन मुद्दों के ऊपर आज आप लोगों के सामने हम बात करना चाहते थे। और इसके साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा वक्फ बोर्ड को लेकर भी है, देश के मीडिया में भी चला है, आप लोग भी चला रहे हैं कि प्रदेश की कितनी जमीनों के ऊपर वक्फ बोर्ड आज वो अपना कब्जा दिखा रहा है कि ये जगह हमारी, ये मंदिर हमारा, ये ग्राउंड हमारा, ये प्रॉपर्टी हमारी। मेरा एक सवाल है और मैं पूछना चाहता हूं देश के नेताओं से कि 1947 में 15 अगस्त 1947 को देश आजाद, और जब देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने के बाद एक तरफ बन गया पाकिस्तान 14 अगस्त को और एक तरफ बन गया हिंदुस्तान जिसको नाम दिया गया भारत इंडिया। जब 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन इस देश में हुआ, किन की शह पे हुआ, किन नेताओं ने बनाया, पाकिस्तान बनने के बाद भी देश में वक्फ बोर्ड का गठन करना इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण फैसला रहा। और जो देश में आज भी हिंदू पार्टियां हैं जो हिंदुत्व की बात करती हैं, हिंदुत्व के मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ती हैं, लोग ये कहते हैं कि अगर ये है, ये पार्टी है तो सनातन है, ये पार्टी नहीं है तो सनातन नहीं। मैं उन सारे लोगों से, उन संगठनों से, उन हिंदूवादी पार्टियों से भी मेरा सवाल है कि अगर आप हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर वोट मांगते हैं तो साहब 1954 के बाद 2024 तक आज तक सनातन बोर्ड का गठन इस देश में क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं किसी नेता ने, किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने इस देश में हिंदुस्तानियों के लिए, जो लगभग इस देश में 100 करोड़ कहा जाता है, 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए क्यों नहीं सनातन बोर्ड का गठन इस देश में किया गया, जहां पर वक्फ बोर्ड का गठन करके आज परिस्थिति ये हो गई कि हमको अपनी जमीन का कब्जा लेने के लिए हमको कोर्ट में जाकर लड़ना पड़ रहा है, और वो लोग कब्जा बता रहे हैं जिनके मुगल यहाँ से पाकिस्तान चले गए। और उन लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूं कि ना यहाँ पर मुगल कुछ छोड़ कर गए, यहाँ की देश की संस्कृति, सनातन की संस्कृति, हजारों साल पुरानी जो कुछ है वो इस देश का है, और उस देश के मंदिरों के ऊपर सनातन बोर्ड अगर इस देश में होता तो आज जहां ये वक्फ बोर्ड आज अपना कब्जा दिखा रहा है कि रुमाल रख देंगे तो भी वो जगह उनकी होगी,
साहब इस देश के हिंदुस्तानी हिंदू ये मांग करना चाहता है कि अगर वक्फ बोर्ड अपना कब्जा कहीं पर जाहिर करता है तो वो कब्जा छीनने के लिए, वो कब्जा लेने के लिए सनातन बोर्ड का गठन इस देश में देश के स्तर के ऊपर होना चाहिए और मजबूती के साथ होना चाहिए। ये मुख्य बातें थी जो मैं आज आप लोगों के समक्ष मैं रखना चाहता था। बाकी अब आप साधारण आमंत्रित हैं, जो भी अगला सवाल होगा उसके बारे में चर्चा। आपने आंकड़े भी खुद ही दिए, 184,000 आई थिंक आपने बताया कि जो रजिस्ट्रेशन हुआ 45,000 तो, और ये जो 84 लोगों के आपने आधार कार्ड निकाले हैं, दिन में साल में दिन होते हैं 365-366, तो क्या 184,000 में से 46,000 बताया आपने, उसमें से मात्र 84 लोगों के जो डेट ऑफ बर्थ है उसे नहीं हो सकती। साहब एक बात बताएं कि हम लोग यहाँ पर बैठे हैं सारे के सारे, तो अगर हम लोग यहाँ पर 20 लोग बैठे तो 20 लोगों की डेट ऑफ बर्थ सेम तो नहीं, एक घर में 4 लोगों की डेट ऑफ बर्थ सेम तो नहीं हो सकती, एक गांव में 20 लोगों की डेट ऑफ बर्थ सेम तो नहीं हो सकती, कैसे भी नहीं हो सकती। वो तब हो सकती है कि अगर आसमान से डायरेक्ट किसी को सेम टाइम पे सेम डेट पे सेम प्लेस पे अगर आसमान से उठा के नीचे फेंक दिया गया ये तुम्हारा टाइम है, इसमें स्थान अलग अलग है, सेम डेट नहीं कहते इसको, स्थान अलग अलग है, हमें ये बताइए। नहीं ये ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये जो इसके ऊपर एड्रेस है ये एड्रेस उत्तर प्रदेश के हैं, सहारनपुर के हैं, लेकिन जहाँ पर ये लोग रहते हैं ये गुम्मा क्षेत्र है, गुम्मा क्षेत्र के 46 आधार कार्ड ऐसे हैं जिनकी सेम डेट है, सेम प्लेस है, सेम उनका डेट ऑफ बर्थ है। हम समझ गए आपकी बात को, आप कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को सत्यापन करना चाहिए, बिल्कुल आधार कार्ड का बिल्कुल करना चाहिए, ये केंद्र सरकार की स्कीम है तो केंद्र सरकार के अधिकारियों को पूछिए है ना कि वो गलत कर रहे हैं। सर एक बात है कि अगर केंद्र सरकार उधर जो है वो केंद्र सरकार, अगर केंद्र सरकार की अगर केंद्र सरकार बैठी है तो हिमाचल प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में वहाँ की राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। अगर हिमाचल प्रदेश में कोई भी अगर कार्रवाई या कोई भी कार्ड को राज्य सरकार नहीं बनाती, राज्य सरकार नहीं बनाती, लेकिन जो एजेंसियां होती हैं वो एजेंसियों के अंदर हिमाचल ऐसे कौन सा राज्य है कि जहां पर राज्य सरकार को आधार कार्ड जो वहां का लोकलाइज जो पर्सन है उसको बोलेगा भैया इसके लोकलाइज होने पर हमारा कोई लेना देना नहीं। हिमाचल प्रदेश का इंटरफेस हम लोगों ने भी आधार कार्ड बनवाए तो हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट सरकार के माध्यम से उस